हाय गाइस, जिमिनी के लिए हम ये रीडिंग ले रहे हैं इस वीक के लिए, 4th जून अप टू 10th जून। ओके, तो आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपको कहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलता है, हम इसमें से देखेंगे करंट सिचुएशन है। ओके, कार्ड्स निकाल लो। देखिए ये वीक के लिए है आपको, वाव, वी लव द फॉर्च्यून, ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, डिक बॉटम डिक। तो सी, आपके पास में आपने जो आपने स्ट्रगल करके जो भी आपने बोया है, तो आप गॉड से जजमेंट मांग रहे हो कि मुझे इसका रिजल्ट कब मिलेगा, यानी रिवर्ड्स कब मिलेगा। तो आप रिवर्ड्स की चिंता में बहुत ज्यादा खुद को वेट कर रहे हो। आप बार बार यही कह रहे हो कि देखो, ये नाइन ऑफ कप्स का यही कार्ड यही कह रहा है, सी ये कार्ड यही कह रहा है कि इस चिंता में बैठे हो। आपको जो यानी आपने इतना हार्डवर्क किया, आपने सब किया, और फिर आपको क्यों उसका रिजल्ट अब तक नहीं मिल रहा है, तो आपके पेशेंस खत्म हो रहे हैं, और इसके वजह से आप थोड़ा अपसेट हो। स्ट्रांग, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ओके, आप हर चीज को बैलेंस करके हो। ओके, पर जो आपकी एक कभी कभी आप थोड़ा सा बह जाते हो एक ऐसी सिचुएशन में, थोड़ा सा बह जाते हो कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, मेरे साथ होगा नहीं होगा, तो थोड़ा सा इमोशनली हो जाते हो और बहुत ज्यादा लेवल पे हो जाते हो। वैसे दिखाते तो हो कुछ लोगों को, तो आप मीन्स आप है स्ट्रांग हो आप, पर क्या है कि आप कभी कभी थोड़ा सा जब आपके पेशेंस खत्म हो जाते हैं, थोड़ा सा आप को अनबैलेंस फील करते हो आप। ओके, तो और आपको चिंता शुरू हो जाती है आपके फैमिली के बारे में, ये वो ऐसा हो जाता है कि जब तक मैं इसमें से ना निकलूं, मुझे मेरा रिवॉर्ड्स ना मिले, मुझे मेरे पैसे जो भी है, करियर की अच्छी ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, मेरा सीनियर पोस्ट से मैं अपर पोस्ट पे चला जाऊं और मैनेजर लेवल जो भी है, तो हर चीज में एक पोस्ट रहती है। जो आप करंट जॉब कर रहे हो या जहां पे भी हो, आप सिचुएशन से प्लीज मैच कर लेना, तो आपका जो आउटकम है वो बहुत ही बेहतर है। आपकी ये जो साइकिल है वो कंप्लीट होने वाली है। ओके, सो आप बिलीव रखिए आपके परमात्मा के ऊपर, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये साइकिल आपकी खत्म करने वाले हैं। ओके, आपको कुछ ना कुछ तो भी इसमें से ये वीक में कुछ ना कुछ उसमें से सेटिस्फेक्शन देंगे, क्योंकि वो आपको बैलेंस कर रहे हैं अभी के वक्त में, और देखो जजमेंट भी दे रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है। ओके, आपको बैलेंस कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, आपको जजमेंट देने वाले हैं। आप उनको पूछ रहे हैं बार बार कि भगवान क्यों ऐसा हो रहा है, मैं कितना वेट करूं, मैंने इतना सब काम किया है, सब किया है, जो स्ट्रगल की है उसमें से मैं अभी, मुझे अभी मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप बार बार प्रेयर कर रहे हो, तो परमात्मा ने, एंजल्स ने, आपकी जो भी गार्डियन एंजल है, जो भी आपके पूर्वज हैं, उनके आशीर्वाद से आप उसमें से जरूर निकलने वाले हो, वो साइकिल आपकी कंप्लीट होने वाली है। सो डोंट वरी, तभी भी हम एंजल्स की विजडम कार्ड से उनकी गाइडलाइन लेते हैं, शायद वो भी यही आपको सजेस्ट कर रहे होंगे। अवेकनिंग, ओके, आपने एक टेम्पररी पॉज जैसे लिया है। ओके, तो
एंजल्स आपको वही पाथ दिखाने वाले हैं, ओके, जो रास्ते की आप राह देख रहे हो वो रास्ते के तरफ आपको दिखाने वाले हैं। जो आप बोल रहे हो ना कि एक कुछ तो भी मैं वेट करके थक गया हूँ, पेशेंस खत्म हो रहा है, तो मैंने कहा ना एक साइकिल कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट साइकिल, न्यू जनरेशन, न्यू लाइट आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। और अभी तो पॉज है, पर आपको उसका धीरे, ये वीक के एंड तक आपको कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। बिलीव रखो, ये देखो टू मच गोइंग ऑन, ठीक है, आप अनएक्सपेक्टेड इवेंट और रैपिड चेंजेस देखो, ये जो है, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड ऐसी साइकिल घूम जाएगी जो शायद आपको पता भी नहीं चलेगी कि ये क्या हो गया है, ठीक है। आप एकदम से, आपके जीवन में एक नया मोड आने वाला है और डेफिनेटली आ ही रहा है, बस थोड़ा सा सब्र किया, सब्र का फल मीठा होता है ऐसे कहते हैं, तो वैसे ही आपको थोड़ा सब्र करना है, ओके। मैं एक बार डिवाइन से और गाइडलाइन लेती हूँ। आप विश्वास, खुद के ऊपर आपको विश्वास रखना है, अर्थ को, अर्थ की गाइडलाइन आ रही है आपको, ठीक है। जो आप थोड़ा सा ट्रेस में चले गए हो, ठीक है, खुद को भूल चुके हो जैसे कि, तो उस गाइडलाइन से आपको कह रहे कि आपको सिंपली रहना है, सिंपल, जैसे हर एक के ऊपर लव करना है और हर मोमेंट को आपको काइंडनेस, कंपैशंस, लव के साथ में बिताना है, ठीक है। किसी लोगों को आप हेल्प कर सकते हो तो आप कीजिए, ओके, ये गाइडलाइन आ रही है। आप हेल्प कर सकते हैं किसी को, कुछ भी हेल्प करते हैं ना हम, डोनेशन देते हैं या कुछ, तो वैसा भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपको सही पाथ दिखाने के लिए एंजल चामल आपके साथ में है, ओके, सो डोंट वरी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीक में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।